सोलह फैसले को बाई चांस तो मैं नहीं तो आज किस वीडियो में बात करूँ कि इलाहाबाद बैंक के कस्टमर केयर से कैसे संपर्क करें। दोस्तों अगर आप पे आपके इलाहाबाद बैंक में अकाउंट है तो कैसे आप इलाहाबाद बैंक के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, यानी जो बैंक से आपने बल्कि कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं वो भी घर बैठे, तो कैसे आप संपर्क कर सकते हैं चलिए इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि बैंक डिटेल, जैसे कि आपको बैलेंस चेक करने मतलब कि घर बैठे बैंक बैलेंस चेक करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या आपका खाता के बारे में कुछ जानना है, या पैसा कटौती एंड ट्रांसफ़र डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के प्रॉब्लम है, या पैसा आया गया, या आपका जो भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं घर बैठे। तो कैसे होगा चलिए इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप बात कर सकते हैं कस्टमर केयर से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भी मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज़ यहाँ पर एक बटन टच कर दीजिएगा, बराबर में नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी के निशान उसे दबना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो सब्सक्राइब करें तो घंटी को जरूर दबें। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताता हूँ कि इलाहाबाद यानी इलाहाबाद की आप बैंक कस्टमर केयर से संपर्क करना सीख कैसे कर सकते हैं और नंबर क्या है। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं फ़ोन्स में, ठीक है। फ़ोन्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं वो आपको नंबर शो करता हूँ स्क्रीन पर, आपको बोल भी देता हूँ 1800226061। फिर से आपको बोलता हूँ 1800226061, ये आपका कस्टमर केयर नंबर है और ये कस्टमर नंबर से कॉल कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कॉल कैसे लगेगा, आप जैसे उस बैंक यानी उस नंबर पर कॉल करें, इस नंबर पर कॉल करेंगे तो सीधे बैंक के कस्टमर केयर भी लगेगा, और आपका लगने से पहले आपका अकाउंट नंबर मांगेगा कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, तभी तो प्रूफ होगा उनका कि हाँ आपका एक खाता है इस बैंक में। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करके और अपना अकाउंट नंबर डालिएगा और सीधे डायरेक्टली कॉल लग जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो कॉल यहाँ पर मैंने कट कर दिया क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी नहीं करना है, अगर कॉल करूँगा तो शायद ऑडियो में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं और कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं बेझिझक, आपको जो भी जानकारी लेना है कस्टमर केयर से ले सकते हैं। बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बाय बाय, फिर मिलेंगे ऑडियो में, तब तक बाय बाय।